हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एडिट करने वाले हैं ऐसा फोटो, मतलब स्फेरिकल इमेज जो होता है, जैसा बना सकते हैं ऐसे फ़ोटो से। तो ऐसे फ़ोटो को आप कैसे स्फेयर वाले फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके फ़ोटो को फोटोशॉप में ले लीजिए और नॉर्मल एडजस्टमेंट कर लीजिए, जैसे कलर वाइट बैलेंस हो गया, एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दिया है, कंट्रास्ट बढ़ा के एक्सपोजर थोड़ा और, हाईलाइट कम करके शेडोज बढ़ा दिए, वाइट थोड़ा और कम, ब्लैक बढ़ाना है, क्लैरिटी तो बढ़ाना ही है और इमेज को कलरफुल करना है वाइब्रेंस बढ़ा के। तो आपका इमेज ऐसा दिख रहा है। तो अभी इमेज को हम लोग ओपन करते हैं फोटोशॉप में। मतलब पूरा स्पॉट दिख रहा है, स्पॉट को हम स्पॉट हीलिंग ब्रश से निकाल देते हैं और फिर इसे थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं, इससे थोड़ा टैंगल में आ जाए। अभी इस इमेज को हम लोग पहले रोटेट कर लेंगे 180 डिग्री में, जैसे उल्टा हो जाएगा। और फिर फिल्टर में जाके हमें डिस्टॉर्ट में जाना है और पोलर कॉर्डिनेशन में जाना है। ओके, और फिर इसे ओके करना है, जैसे आपका इमेज भी ऐसा हो गया। अब ये थोड़ा अलग लग रहा है तो हमें फिर से स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसे क्रॉप में जाके फिर से हम लोग थोड़ा ये करेंगे, अभी इस इमेज को सिलेक्ट करके हम इसे थोड़ा एक बड़ा करेंगे, दोनों साइड से बड़ा कर। ताकि ये स्क्वायर के अंदर फिट हो जाए। तो अभी इमेज हो गया है स्फीयर में, कन्वर्ट हो गया। तो अभी हमें क्लाउड के पीएनजी डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो मैंने जो पहले से करके रखा है ये, तो हमें इसे एडजस्ट करना है ताकि ये भी थोड़ा से राउंड राउंड में लगे। तो ये जब आप, तो जैसे मैं यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा छोड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो इससे मैं हम लोग इसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ट्विटर करके इसे फिर से थोड़ा एक सही जगह पर लेके जाइए, यहाँ पर आपको लगे ठीक लगेगा। फिर मैं इसे ऑल्ट पकड़ के इसे फिर से मूव करूँगा तो इसका एक और लेयर बन जाएगा, उस लेयर को मैं फिर से दूसरी जगह पर एडजस्ट करूँगा। फिर से मैं मूव टूल को पकड़ ऑल्ट पकड़ के मूव टूल से इसे फिर से मूव करूँगा और फिर से एक और लेयर बन जाएगा। आप डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों को लॉक करूँगा, रिस्ट्राइज लेयर कर लेते हैं, फिर तीनों को लॉक, कंट्रोल ही दबाते हैं। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू वगैरह थोड़ा। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा इससे क्लाउडी लगे थोड़ा हल्का। तो इसके लिए बहुत सारे फ़ोन के एप्लीकेशन भी आते हैं पर उनसे अच्छा, मतलब उतना अच्छा इमेज नहीं मिलता है। तो जैसे ये मिला है पूरा, और ये इतना हार्ड भी नहीं है, ईजी, कोई भी कर सकते हैं इसे। तो गाइज कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, ईजी था, हार्ड था, या ऐसा और कुछ आपको देखना हो तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड गाइस बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे नेक्स्ट ऐसा एडिटिंग का अपडेट वीडियो कोई आएगा तो आप भी देख सकते हैं। तो थैंक यू।